courage, unbroken kite. Today I'm speaking to Padma Vibhushan, Pandit Birju Maharaj. Maharaj ji, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके बेरिया में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वैसे अनुराधा यहाँ काम कर रही हैं और बच्चों को सिखा रही हैं और वही सिलसिला कुछ सिलसिला होता है जिसकी वजह से जो इंसान है वहाँ जुड़ता है कला से खास करके अगर जोड़ हो साथ में तो फिर मन करता ही है कि भाई हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं उनको देखें भी और कुछ सिखा सके थोड़ा बहुत जो भी तालीम है। थैंक यू। और आपको क्या डिफरेंस लगता है इंडिया के स्टूडेंट्स में और यहाँ आकर यहाँ के स्टूडेंट्स में? मेरे ख्याल से तो ये सारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं से तो इंडिया से कहीं से जुड़े हैं, इनके पेरेंट्स जुड़े हैं, तो इनके अंदर जो प्यास है क्लासिकल डांस की और जो चाहत है वो बड़ी मीठी मीठी यादों के साथ साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान भी मैं भी जुड़ा हूँ, हिंदुस्तान की परंपरा जुड़ी हुई है, हमारे पिताजी अच्छन महाराज, लक्ष्मण महाराज, शंभू महाराज, ये सभी लोग इस सेवा में लगे हैं और ये बिल्कुल कथाओं से जुड़ा हुआ एक परंपरा है जिसमें कृष्ण कथा से और राम कथा से जुड़े हुए लोग हैं और ये वही दिग्दा दिग्दिक तत्थो दिग्दिक राम तथे, ये शब्द आज भी महाराज वृंदावन के तमाम रास मंडली में मिलता है बोल। तो बड़ा सात्विक, बड़ा आध्यात्मिक और बड़ा ध्यान ईश्वर के साथ लग जाने वाला, केवल इंटरटेनिंग नहीं है, अंदर जाएंगे तो गहराई मिलेगी कि इसके पीछे कितने हमारे देवी देवता छिपे हुए हैं और उसके प्रति ध्यान योग लगता है। आप अभी बता रहे थे कि जो कथक है और जो कथक के जो बोल हैं वो नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हर बोल हर छंद जो है वो नेचर, हम तो कहते हैं पूरी पृथ्वी नाचती है, चांद नाचता है, समंदर की लहरें नाचती हैं, हवाएं नाचती हैं और हवाओं की वजह से डुएट में पेड़ भी नाचते हैं। पृथ्वी पर हर जीव जो है, जीव जंतु पक्षी भी जब खुश होते हैं वो भी नाचते हैं। उसमें से सबसे जो सुंदर पक्षी जो है वो मयूर को कहा गया है, हमारे यहाँ तो मयूर का देख जब नाचता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, बहुत सुंदर है नेचर के तमाम चीज़। एक दो तिहाई मैं आपको सुनाता हूँ कि एक चिड़िया की मम्मी खाना लेकर आ रही है और बच्चों को दे रही है, इसको इमेजिन किया है टाइमिंग के हिसाब से कि एक दो तीन चार, जैसे वो बर्ड आई एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच चार पाँच और चार पाँच चार पर छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दान, वो दाना दिया फिर उड़ के गई, फिर एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच फिर मुँह खोला एक दो तीन पाँच छः एक दो तीन पाँच छः सात आठ दान। तो पूरा नेचर जो है वो मुझे सब रिदम में दिखता है, चाहे वो हाथी चले, चाहे हिरन दौड़े, चाहे शेर ले चलांग ले, हर चीज़ जो है मुझे दिखती है सब लय में है, सब रिदम में है। और पहला तो रिदम जो ईश्वर ने बनाया वो दिल की धड़कन बनाई जिसकी वजह से हम सब लोग हैं, ठीक ठीक जब हम तेज़ दौड़ते कहते दुरुस्त हो गए और तेज़ दौड़े धिक 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 होने लगता है। तो रिदम तो ईश्वर ने बनाया और लय जो नाम है वो ईश्वर का ही एक दूसरा रूप है, शक्ति है, ध्यान है, रिदम है। तो ये सब चीज़ें मिला के पूरा नृत्य का अलग अलग संचार हुआ है और हमारे भारत के तमाम शहरों में, साउथ में भी पैदा हुआ, भरतनाट्यम बन के, कथकली बन के, कुचिपुड़ी बन के, इधर कथक नॉर्थ इंडिया में कथक पैदा हुआ, मणिपुर में मणिपुरी पैदा हुआ, ऐसे करके अनेक जो विधाएं हैं, उड़ीसा में उड़ीसी पैदा हुआ। सबका ध्यान था मंदिर, ईश्वर को खुश करना और उनके भक्तों को खुश करना, कायदे से तो ये था। ये बड़े बड़े रंगमंच कहाँ थे, मंदिर के आंगनों में ये सब नृत्य विधाएँ संगीत होता था। बाद में अब बड़े बड़े रंगमंच मिल गए जिसमें हम लोग सब लोग जाया करते हैं।
आपने कथक में बहुत ब्यूटिफिकेशन लाई है, पहले ऐसे हाथ को देखते थे रुक जाते थे, आपने जो एक्सटेंशन किया है उसके बारे में कुछ कहिए। मेरे ख्याल से सागर की लहरों को गिनना और सागर की गहराई को गिनना, वो इन्फिनिट जिसको कहते हैं कि बस अंतहीन आकाश, अंतहीन समंदर की वो गहराई, वो दूरी, मुझे लगा हर मोमेंट का जो थ्रो है वो शून्य में, निराकार में खो जाता है। जब हम धा करते हैं वो धा सिर्फ हम थ्रो करते हैं, लेकिन वो धा जाके विलीन होता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, शून्य में चला जाता है। तो निराकार का जो डेकोरेशन है वो हम लोग मूवमेंट से करते हैं, निराकार कुछ है नहीं, पर निराकार में जो हम जिस वक्त मूवमेंट करके ऐसे दिखा देते हैं कि आकाश, तो आकाश इन उंगलियों से आकाश की दूरी को हम देख लेते हैं। तो ऐसे करके हमने पूरे तरीके से उस मूवमेंट को सोचा है कि वो हम तक नहीं है, न जाने कहाँ तक चला जाता है। आपका जो ये प्रसाद मिला है, मैं बहुत हम बहुत लकी और आपके आभारी हैं कि हमें आज ये प्रसाद मिला है आपसे। और आपकी जो फ्यूचर है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके बेटा बेटी हैं, उनमें से आपको कौन लगता है कि आपकी जो टॉर्च है, कथक की जो फ्यूचर है, वो किसके हाथ में है? मेरे ख्याल से तो अभी देखिए, हमारे चाचा के दो बेटे हैं, राम मोहन, कृष्ण मोहन, शमू महाराज के बेटे हैं, वो लोग भी यही कार्य कर रहे हैं। और जयकृष्ण महाराज हमारे बड़े बेटे हैं, जो कि सिखा भी रहे हैं, म्यूजिक भी करते हैं और खुद भी नाचते हैं। और दीपक महाराज जो हमारे छोटे वाले हैं, वो अभी परफॉर्मेंस में बहुत ही स्ट्रांगली खूब नाच रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर कथक की रोशनी को कम नहीं होने देंगे बल्कि बढ़ाते जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और मेरे अच्छे अच्छे शागिर्द, देखिए हमने कई अच्छे स्टूडेंट बनाए हमारे साथ, देखिए शाश्वती जी जुड़ी हुई हैं 38 साल से, 38 ईयर्स हो गए, महुआ शंकर जुड़ी हैं 16 साल से। तो कुछ लोग तो ज़िंदगी देना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं। तो ये ज़रूर है कि हमारा तो ये मुझे मालूम है कि उन 100 लोगों में से 2-3 भी अगर निकल आए मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। आपसे एक खास सवाल है, आई थिंक हम यंग स्टूडेंट्स को बहुत होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है आई थिंक हमारे में भी नहीं है, आप क्या करते हो कि आपका एनर्जी लेवल, आपका डाइट में या एक्सरसाइज में क्या करते हो आप, जो आपका एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहता है? मेरे ख्याल से मैं सबसे बड़ा तो जो एक रिदम की पूजा है, रिदम लय की जो हम एक आवाहन करते हैं, वो रिदम का ट्रीटमेंट है पूरे बॉडी पे। और रिदम जो है मुझे कभी भी डाउन नहीं होने देता। रिदम कहता है हम सदा जवान हैं, तुम हमारे साथ चलो। तो अच्छा दोस्त हो अगर रिदम, तो फिर नेचुरली हम भी उसके साथ दौड़ेंगे। तो अब दाल रोटी सिंपल खाता हूँ, कोई नॉन वेज नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, सादा खाता हूँ, लेकिन विचार जो है वो हमारे रिदम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे कृष्ण सुंदर हैं, राम सुंदर हैं, तो कैसे हम उनकी जब पूजा करते तो हमें भी, हमें तो लगे कृष्ण हमारे सुंदर हैं, तो हमें भी उनकी वजह से हम भी थोड़ा बहुत कुछ तो दिखेंगे, ऐसा चलता है। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं कि हम नॉन वेज खाएं तभी हम तगड़े होंगे, नहीं, हम तो दाल रोटी खाएंगे लेकिन प्यार से खाते हैं, जो आराम से। मैं तो कभी दावतों में जाता नहीं, दाल घर पर दाल रोटी बैठ के चुपचाप खाता हूँ और बड़े प्यार से खाता हूँ। थैंक यू महाराज जी। बहुत से आइडिया करते हैं।